रुक करते हैं प्रदेश की ओर। सैंज घाटी की शैशर कोठी के आराध्य देवता कशो नारायण लाभ लश्कर के साथ 2 सप्ताह पूर्व शाही स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। 1 माह तक चलने वाले इस दौरे में देवता कशो नारायण 11 अगस्त को खीरगंगा पहुंचेंगे, जहां 5,000 देवलो संघ कशो नारायण शाही स्नान करेंगे। पिछले करीब 2 सप्ताह से जगह जगह देवता कशो नारायण का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सेंस घाटे के शैशर कोठी के आराध्य देवता कशु नारायण लाभ लश्कर के साथ 2 सप्ताह पूर्व शाही स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। 1 माह तक चलने वाले इस दौरे में देवता कशु नारायण 11 अगस्त को खीरगंगा पहुंचेंगे, जहां 5,000 देवलू संघ कशु नारायण शाही स्नान करेंगे। पिछले करीब 2 सप्ताह से जगह जगह देवता कशु नारायण का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सेंस घाटे की बनाऊंगी आराध्य देवता कशु नारायण 6 दशकों बाद खीरगंगा में शाही स्नान करने के लिए रवाना हुए हैं। सैकड़ों देवलू और हरियाणों की मौजूदगी में पूरी मणिकरण घाटी इन दिनों भक्ति में हो गई है, और अन्य राज्यों से यहां घूमने आए पर्यटक भी इस धार्मिक आयोजन के गवाह बने हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ों और नरसिंहों के साथ ये देव यात्रा मणिकरण घाटी में प्रवेश हो गई है, जिससे घाटी के लोगों में खुशी का माहौल है। देवता कशु नारायण के कारदार ने बताया कि देवता कशु नारायण करीब 6 दशकों बाद दौरे पर निकले हैं, और दौरे में देवता की यात्रा रूपी घाटी शैशर रैला देवगढ़ गोही बलान पार्वती घाटी मणिकरण बैली सहित खीरगंगा पहुंचेगी। मान्यता यह है कि देवता का दौरा क्षेत्र में सुख समृद्धि अच्छी फसल पैदावार के लिए शुभ होता है। देव कार करिंदो ने बताया कि इस देव यात्रा में शामिल लोगों के घर में जहां खुशहाली आती है, वहीं दुख दरिद्र भी दूर हो जाते हैं। 12 साल 6 दशकों के बाद कशु नारायण लाभ लश्कर के साथ शाही स्नान के लिए रवाना हो गए हैं। देवता जो मतलब 11 तारीख से चल रहा है, जो दाता देवता है, मतलब जो हजारों लोग मतलब बनाओगी में पहुंच पाते हैं, जिससे मतलब सबका मतलब जो दुख सुख काटा जाता है, जिसमें मतलब इसमें सच झूठ की भी कश्मी किया जाता है। तो 11 अगस्त को जो देवता जो पहुँच पाएगा तो खीरगंगा पहुँचेगा। 11 अगस्त को मतलब 5,000 लोग जो उसके साथ स्नान किया जाएगा, जिसमें मतलब कोई भी कश्मी करनी हो, मतलब कोई भी घर का दुख हर सुख हो, हर चीज़ों को काटा जाता है। जो देवते के अनुसार जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें मतलब देवते के साथ अभी भी चल है, जिसमें मतलब 2-3 हज़ार लोग चल है, जिसमें आज भी हम पहुँचे हैं। हम आज शनि बेड़ा में तो जिसमें नाटी लगी है, कुल भी नाटी ऐसी है जिसमें मतलब बहुत धूमधाम से चली है।